हेलो व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? घर की कला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ वाइट पास्ता, जिसके लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ की कटोरी उबले हुए पास्ता, सॉल्ट, पेपर, ऑरिगेनो, आयल, 1 टीस्पून चीनी, 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 मीडियम साइज़ की कटोरी मलाई वाला दूध, 1 टेबल स्पून आटा भुना हुआ थोड़ा सा, और कटी हुई सब्जियां जिसमें टमाटर, गाजर, मटर, शिमला मिर्च है। सब्जियां आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना बच्चे पसंद करते हो, जितना आप लोग खाते हो। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं पास्ता, वाइट पास्ता। ये देखिए, ये हमने जो है आटा को थोड़ा सा हम भून लेंगे। सब्जियां आप कोई भी ले सकती हैं, गाजर, टमाटर, आजकल सीजन बहुत सी सब्जियां आ रही हैं जो वाइट पास्ता में अच्छी भी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसे भूनना है आटे को पहले। ये देखिए, ये हमारा भून गया आटा। इसमें हम 2-3 ड्रॉप आयल डालेंगे। ये हमने इसमें आयल डाला और हमारा आयल अब हो गया है। इसमें सब्जियां डालेंगे और फिर सॉटे करेंगे। देखिए, इसे सॉटे करेंगे। सॉटे करते वक्त इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। ये देखिए, ये थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जितना भी आपको ज़रूरत हो। और जब तक हमारी सब्जियां हो रही हैं, तब तक हम ये सॉस तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी सब्जियां हो रही हैं। जब तक ये हमारी सब्जियां हो रही हैं, तब तक हम ये सॉस तैयार कर लेते हैं। ये एक कटोरी मीडियम साइज़ की जो मलाई वाला दूध है, इसमें हम ये आटा मिलाते हैं। वैसे तो लोग मैदा मिलाते हैं, लेकिन मैदा मैं नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि फाइबर उसमें कम होता है। और इसमें थोड़ी हमने चीनी मिलाई। ये देखिए, ये इसमें चीनी मिला दी और इसे फेंट लिया। ये देखिए, और ये हमारी सब्जी अब हो रही है। ये देखिए, हमारी सब्जियां तैयार हो रही है। सब्जियां थोड़ी क्रंची रहे तभी खाने का मजा आएगा। बहुत ज़्यादा गल जाती हैं सब्जियाँ तो अच्छी नहीं लगती हैं। इसे अच्छी तरह फेंट लीजिएगा सॉस को। अगर लम्ब रहेगी तो दिखने में अच्छा नहीं आएगा पास्ता, इसलिए जो भी इसमें लम्ब हो उसे अच्छी तरह हटा दीजिए। अब इसमें हम पास्ता मिलाएंगे। और ये सॉस डालेंगे, टमाटो सॉस डालेंगे। और इसके बाद हम ये मलाई वाला दूध डालेंगे।
अगर आप चाहें तो सब्जियों के बाद मलाई वाला दूध डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसे भून लिया था आटे को थोड़ा, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका क्रीमी टेस्ट ख़त्म हो जाता है अगर पहले डाल दो, इसलिए हम इसे बाद में ही डालते हैं। और अगर आपको लगे कि पास्ता थोड़ा सूखा है तो थोड़ा दूध आप और डाल लीजिए। इसे एक जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि वो तरीके से आप खाएं या आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा ग्रेवी हो तो उस तरह से आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर एक मीडियम साइज़ का बाउल सफिशियंट है। देखिए थोड़ा दूध हमने बढ़ा लिया है, और जब ये तैयार हो जाए तो काली मिर्च ऊपर से डाल दे। ऑरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल दें, नहीं तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और ये हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया। ये देखिए तो फिर से हम सर्व करेंगे। yeah.